हेलो एंड वेलकम सीफैप वन के अंदर खुश आमदीद. एडवांस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट एंड आई एम रियली ग्लैड यू हैव टेकन अ वेरी गुड डिसीजन बाय एनरोलिंग इन दिस कोर्स बिकॉज यू डोंट हैव एनी आइडिया आप कितना टाइम बचाने वाले हैं, कितना आपका कॉस्ट बचेगी एंड जितनी एग्जॉस्टन के अंदर आमतौर पर लोग क्लासेस लेते हैं. आई एम श्योर डेफिनेटली इट विल हेल्प यू अ लॉट इन क्लियरिंग योर एग्जाम्स. सो सीफैप वन की गुफ्तगू करते हैं. बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग समझे जाने वाला सब्जेक्ट है और स्टूडेंट्स इसके अंदर बहुत ज़्यादा फंसते भी हैं, बड़े रफलर्स आते हैं. उसके कुछ बुनियादी मसाइल हैं और उन मसाइल को हमने हल करने की कोशिश की इस कोर्स के जरिए से. अच्छा, अगर हम बात करें सिस्टमेटिकली कि सबसे बड़ा मसला क्या है, अगर सीफैप वन की हम बात करें तो सीफैप वन के अंदर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है और जो चैलेंज है वो ये होता है कि इट्स अ वेरी लेंथी सब्जेक्ट, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है. अगर कोई कहे ना कि मैं पूरा साल या डेढ़ साल जो है वो पूरा AAFR सारे पढ़ूंगा, इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल्स भी पढ़ूंगा, इंटरप्रिटेशन गाइडेंस भी पढ़ूंगा और उसके साथ साथ सारे मैं स्टैंडर्ड्स पढ़ूंगा, उसके साथ साथ प्रैक्टिस भी करूंगा, तो शायद डेढ़ साल भी कम पड़ जाएगा बिकॉज ये बहुत बड़ा कोर्स है. और उसी के लिए आपको एक स्मार्ट अप्रोच चाहिए, यू नीड अ स्मार्ट अप्रोच फॉर दिस. सो आप बगैर स्मार्ट अप्रोच के यू वोंट बी एबल टू क्लियर एग्जाम्स और हमने पास करना है अगले अटेम्प्ट के अंदर, हमने इसके अलावा आगे ही बढ़ना है जी. सो हमें एक स्मार्ट अप्रोच चाहिए होगी, वो क्या होगी हम जरा उसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं. दूसरे बड़ा मसला जो है जो आमतौर पर सीफैप वन के स्टूडेंट्स फेस करते हैं वो ये होता है कि सीफैप वन के स्टूडेंट्स ये फील करते हैं कि ये जो पेपर है इसमें प्रैक्टिस बहुत रिक्वायर्ड होती है. सो लैक ऑफ प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है, लैक ऑफ प्रैक्टिस जो है ये एक बहुत बड़ा मसला होता है. और जब तक द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कि हम बहुत मतलब ऐसा होता है कि हम कॉन्सेप्ट को समझ रहे होते हैं बट यू नीड टू एक्चुअली टेल योर हैंड्स और योर हैंड्स नीड टू बी ट्रेन एज वेल. तो आपके जब तक हाथ ट्रेन नहीं होंगे तब तक आपका दिमाग काम नहीं करता. सो आपके दिमाग के साथ साथ आपके हाथों को भी वो कॉन्सेप्ट समझ में आने चाहिए ताकि वो अपने एग्जाम में आप प्रोड्यूस कर पाए. सो यू नीड टू ट्रेन योर हैंड्स टू डू इट एंड फॉर दैट यू नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस. तो प्रैक्टिस बहुत स्टूडेंट्स जो है वो प्रैक्टिस ना होने की वजह से एडिक्वेट प्रैक्टिस नहीं हो रही जिसकी वजह से वो फेल हो जाते हैं. तीसरा जो है वो हमारे पास जो बड़ा मसला आता है वो ये आता है कि ICAP ना आपको एक बड़ा स्ट्रेटेजिक CFO स्ट्रेटेजिक रोल में देखता है और CFO एज अ बिजनेस पार्टनरिंग रोल के अंदर यू आर नॉट एक्सपेक्टेड एज अ मुंशी और एन अकाउंटेंट कि भाई आप सारी एंट्रीज पास कर रहे होंगे. यू शुड बी एबल टू गिव अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स, आप अकाउंटिंग एडवाइजरी करना चाहते हैं तो उसके लिए ICAP चाहता है कि आप अकाउंटिंग एडवाइजरी वाले लेवल के ऊपर आए. सो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स क्या होने चाहिए, उसकी इंटरप्रिटेशन क्या होनी चाहिए, इस तरह के सवालात की तरफ वो जा रहा है. तो सीफैप वन जो है जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का जो पूरा कोर्स है वो ज़्यादातर यानी उसके अंदर आपको बहुत एक्सटेंट में नजर आएगा कि आपसे वो ट्रीटमेंट्स पूछ रहा होगा ना कि वो कैलकुलेशंस करवा रहा होगा, ठीक है जी. सो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के बारे में अगर मैं आपको बताऊं ये पॉसिबल नहीं है जब तक आप IFRS ना खोलें. सो IFRS को खोलना बहुत ज़रूरी है. तो भाई सबसे पहले काम तो ये कर लें कि जाएं ICAP और ICAP जाके ये IFRS परचेज कर लें. ये आपके लिए इंतहाई और शदीद अहम तरीन काम है. IFRS के ज़रिए से आप अपने कॉन्सेप्ट, लेकिन अगर आप सोचें फिर डायरेमा नहीं है कि यार इतने बड़े कोर्स को मैं अगर IFRS के साथ पढ़ूंगा तो फिर कैसे मेरा मामला हल कैसे होगा. सो आपको यहीं पे स्मार्ट अप्रोच चाहिए होगी. यहाँ पे आपको हम कोशिश ये कर रहे होंगे अपने कोर्स के अंदर तो हम इस कोर्स के अंदर इन मसाइल को हल कैसे करेंगे. अब सवाल ये पैदा होता है ना, इस कोर्स के अंदर हम कोशिश ये करेंगे कि हम वो तमाम स्टैंडर्ड जिसके अंदर ICAP हिस्टोरिकली घुस रहा है और उसके अंदर वो घुस के आपसे सवाल पूछता है तो उन स्टैंडर्ड्स के अंदर हमें स्टैंडर्ड से ही पढ़ना होगा. सो स्टैंडर्ड्स खुलेंगे क्लास में, यानी इन लेक्चर्स के अंदर यू विल बी लुकिंग एट स्टैंडर्ड्स और आपको स्टैंडर्ड्स खोलने होंगे. उसमें से हम समझेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस करते टाइम में हम स्टैंडर्ड्स खोल लेंगे कि यार ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड के कौन से क्लॉज से आ रहा है, ठीक है, तो हमें वहां पर खोलना पड़ेगा. तो स्टैंडर्ड्स जो है वो हमारे बड़ा रेगुलर फीचर होगा हमारे कोर्स का कि स्टैंडर्ड्स हमने खोलने. दूसरा रेगुलर फीचर ये होगा कि हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन करने होंगे. सो इफ आई जस्ट गिव यू एन आइडिया कि व्हाट यू शुड एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस कोर्स, ठीक है जी. तो हमने मसाइल के बारे में बात कर ली. सो लेट्स टॉक अबाउट कोर्स फीचर्स एज वेल, ठीक है, कि इन इस कोर्स के अंदर आपको एक्सपेक्ट क्या करेंगे आप. सो एक्सपेक्ट करेंगे आप लेक्चर्स, ठीक है, लेक्चर्स जो हैं वो आपको वीकली बेसिस पे मिलेंगे और वीकली बेसिस के ऊपर लेक्चर्स अपलोड होंगे और उस वीक का पूरा वर्क प्लान आपके साथ होगा कि आपने इसमें इस वीक के अंदर करना क्या है. सो इफ यू हैव टू डू अ प्रैक्टिस तो आपने प्रैक्टिस करनी होगी और अगर आपने लेक्चर सुनने हैं और आपने स्टैंडर्ड्स को रीड करना है तो स्टैंडर्ड्स को रीड करना पड़ेगा, ठीक है.
दूसरा ये है कि आपके पास वीकली बेसिस के ऊपर क्या क्या चीजें अवेलेबल होंगी. फॉर एग्जाम्पल इफ यू डू अ स्टैंडर्ड, ठीक है, तो स्टैंडर्ड के साथ हमारी अप्रोच क्या होगी. तो हमारी अप्रोच इस तरह से होगी कि हमने हर स्टैंडर्ड की समरी बनाई है, ठीक है. तो समरी नोट्स मिलेंगे आपको स्टैंडर्ड्स के. बहुत सारे स्टैंडर्ड ऐसे हैं जो बड़े छोटे छोटे स्टैंडर्ड्स हैं, और एट टाइम्स बहुत सारे स्टैंडर्ड्स ऐसे भी हैं जो कि कैफ लेवल पर टेस्ट हो चुके हैं. IS 16, 38, 36, ये बहुत सारे स्टैंडर्ड, IS 10, 37, ये आपके पास टेस्ट हो चुके हैं कैफ लेवल के ऊपर. उस स्टैंडर्ड को हम आमतौर पर समरी नोट से ही पढ़ रहे होंगे, ठीक है. और हम कोशिश करेंगे कि हम समरी नोट्स के जरिए से जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको कम से कम हम कंप्लीटनेस इंश्योर कर लें. सो हमारी कंप्लीटनेस इंश्योर हो जाएगी समरी नोट्स के जरिए से. दूसरी चीज जो आपको मिल रही होगी वीकली बेसिस के ऊपर, हर स्टैंडर्ड के साथ ना सिर्फ नोट्स बल्कि उसके साथ क्वेश्चन बैंक भी कंपाइल किया है मैंने और मेरी टीम ने. क्वेश्चन बैंक को बहुत ही केयरफुली सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं, ठीक है, और बहुत कोशिश ये की है कि ICAW के क्वेश्चन, ठीक है, इसमें SBR के क्वेश्चन, ठीक है, यानी ACCA के क्वेश्चन, इसमें ICAP की पास पेपर्स के क्वेश्चन, प्रैक्टिस किट के क्वेश्चन, ठीक है, इसमें इवन जो हमारे मुश्किल वाले कैफ के क्वेश्चंस होते हैं वो भी हमने कोशिश की है कि यार वो जो मुश्किल वाले क्वेश्चंस हैं जहाँ पे बहुत सा थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं उनको भी हम डालें. और हमने इसका एक क्वेश्चन बैंक बनाया है जो कि आपको हर स्टैंडर्ड का अलग से मिल रहा होगा. तो फॉर एवरी स्टैंडर्ड, फॉर एवरी टॉपिक यू विल बी गेटिंग अ क्वेश्चन बैंक, ठीक है. तो वो आप डाउनलोडेबल होगा, यू कैन टेक दिस क्वेश्चन बैंक. इसके अलावा फॉर एग्जाम्पल जब हमने स्टैंडर्ड, मैं आपको बताऊंगा हमने कवरेज कौन कौन से स्टैंडर्ड की करनी है, तो वो भी आपको मालूम होगा कि हमने क्या करनी है. फिर हमारे पास लेट सपोज आपकी कोई क्वेरीज होती हैं, तो फिर क्वेरीज के लिए हमारे पास व्हाट्सएप ग्रुप है. सो हम व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए से कर रहे होंगे. लाइव सेशंस हम करेंगे जिसमें हम बेसिकली आपकी क्वेरीज को रिजॉल्व करेंगे. एंड एट टाइम्स यू नीड अ सेशन टू डू लाइव सोल्यूशन, लाइव सॉल्व करना आपको दिखाना हो फॉर एग्जाम्पल, तो मैं उसके लिए भी लाइव सेशन कर रहा होंगे. तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्वेश्चन भी हम कुछ ना कुछ कर रहे होंगे. सो हमारे पास लेक्चर्स होंगे, समरी नोट्स होगी, क्वेश्चन बैंक होगा, तो हम इस तरह से कर रहे होंगे. इसके साथ साथ समरी नोट्स के अलावा IFRS भी खोल रहे होंगे जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है. सो IFRS हम या तो हम क्वेश्चंस के साथ भी खोल रहे होंगे या इसके अलावा भी. फॉर एग्जांपल इफ आई वांट टू एक्सप्लेन एनी आइडिया कॉन्सेप्ट टू यू, तो मैं वहां उसके लिए भी मैं कुछ सिलेक्टेड पैराग्राफ्स को मैं खोल के एक्सप्लेन कर रहा हूँ. तो बेसिकली हमारे कोर्स को हम इस तरह से डील करते हैं. नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो यू विल बी टॉकिंग अबाउट कि इस कोर्स से सबसे बेहतरीन फायदा उठाने के लिए, सबसे बेस्ट यूटिलाइज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा ताकि आप इस कोर्स से अपने पेपर को, एग्जाम को क्लियर कर सकें. रिमेंबर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्लियर एग्जाम्स इज ऑन यू, बट डेफिनेटली आई विल बी मेकिंग श्योर कि मैं आपको उतना फैसिलिटेट करूं कि इफ यू डू योर एफर्ट देन यू क्लियर योर एग्जाम्स, ठीक है. तो अगली वीडियो में हम बात करते हैं कि आपने अब क्या करना होगा कि जिसके बेसिस के ऊपर आप पेपर एग्जाम्स क्लियर करें.